क्या चाचा, क्या हाल है? मैं ठीक है बेटे, बहुत अच्छे हैं। रिटायर हो गए? प्राइवेट नौकरी थी, रिटायर हो ही गए। कहाँ रहते हैं? मैं उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। दिल्ली आए घूमने? हाँ, दिल्ली आए, मेरे भांजे रहते हैं, उनके पास आए। तो यहाँ के बारे में कुछ जानते भी हैं? केजरीवाल सरकार के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ जानते, इतना नहीं जानते पर थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसके बारे में, उत्तराखंड में इस सरकार के बारे में क्या बोलते हैं? सही बता रहे हैं, तो पब्लिक है, पब्लिक कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते। उत्तराखंड में सीट तो कुछ मिली नहीं? ना, उत्तराखंड में तो नहीं मिली सीट। वहाँ बीजेपी चल रही है आजकल बहुत और जोरों से। हाँ, जोरों से ही है। तो मुख्यमंत्री तो खुद ही हार गए थे? हाँ, वो तो हार ही गए थे, हार गए थे। अरे, ये मोदी सरकार का क्या माहौल है उधर? मोदी सरकार का ऐसा माहौल है बेटे, क्या बताएं। अब वोट के चक्कर में ये है कि राशन फ्री, अलाना फ्री, तो गलत बात है ना। राशन बंद कर दें तो दिक्कत हो जाए इनको? ना ना, फ्री नहीं देनी चाहिए ना उसको। नहीं, अगर ये सरकार राशन फ्री बंद कर दे तो चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। तो उसी चक्कर में से दे रहे हो? हाँ, उसी चक्कर में दे रहे हैं कि दें और कुछ न कर रहे हैं, इसलिए। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ बेटा यार, कुछ नहीं बोल सकता ना। अब मैं सफ़र करते करते DTC से मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज आ गया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा घूम करके देखता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, माहौल क्या है। बस का गेट बंद हो गया। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कहाँ चलाते हैं ऑटो? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रहता हूँ, ऑल दिल्ली। अरे, ये केजरीवाल की सरकार का क्या हाल है यार? ये देख रहे हो, मनीष सिसोदिया पर फिर मुकदमा हो गया। क्या करें, अब क्या हो गया, अब ये सब तो हम लोग जानते नहीं। क्या है इनका सरकार केजरीवाल के, ठीक चल रही, जनता का है साथ? कहाँ ठीक है सर, ऑटो वाले ही बनाए, ऑटो वाले के तो एकदम काम धंधा है नहीं। ऑटो वालों का किराया तो बढ़ाए है? किराया बढ़ा देता, मीटर से कोई बैठता ही नहीं, प्रॉब्लम तो है सर। चलिए ठीक है, लाइट हो गई आप निकलिए, अब हम भी जरा देखें।